मैं शेफ साहिल और डॉक्टर दीपिका आपको बनाना सिखाएंगे कुछ ऐसी रेसिपीज जो आपके बढ़ते बच्चों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने साहिल, बचपन एक ऐसा टाइम है जब हमें बच्चों के पोषण पे पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर उस टाइम बच्चे पौष्टिक खाना खाते हैं तो बड़े होकर भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। हम इस बारे में बहुत सारी बातें करते रहेंगे और आपको बहुत सारी हेल्दी टिप्स भी देते रहेंगे। सबसे पहले आप बताइए साहिल, आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? दीपिका, मैं बनाने जा रहा हूँ बच्चों की एक फेवरेट डिश जो है पास्ता, लेकिन एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, पहले मैं गैस ऑन करता हूँ। ये जो पास्ता है दीपिका, आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है पेने पास्ता। अगर आपको कोई और पास्ता मिलता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फारफले हुआ, स्पैगेटी हुआ। और इसको आप 10 से 12 मिनट तक पानी में उबालें, नमक वाले पानी में, और उसके ऊपर थोड़ा सा अंदर पानी के ऑयल भी डाल दें ताकि पास्ता आसपास चिपके ना एक साथ। और यहाँ पर रखा है मैंने स्पिनच, इसको हम काटते हैं। और ये एक हेल्दी ट्विस्ट है। आपने देखा होगा कि पास्ता जो है टोमेटो सॉस में भी बनता है। बिल्कुल, बहुत तरीके हैं पास्ता बनाने के, जितना आप चाहें उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पालक ही डालें उसमें। तो आपके पास अगर मशरूम है तो वो भी आप डाल सकते हैं उसके अंदर, लेकिन मैं यहाँ डाल रहा हूँ पालक। जी साहिल, अक्सर क्या होता है बच्चे जिद करते हैं इस तरह की चीजें खाने की, फास्ट फूड खाने की। हाँ जी। और कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, बाहर से हम उन्हें पास्ता ला देते हैं या वो बाहर पास्ता खाने जाते हैं। हाँ जी। इसमें बहुत ज्यादा चीज होता है। आपने सही कहा, यही सब चीजें हैं, जैसे कि हमने पहले भी बोला था, ये सब चीजें आप अपने घर में बना सकते हैं। जी। और मैं कहता हूँ बच्चों को रोकिए मत, अगर वो बाहर से कोई चीज पसंद करते हैं तो कोशिश करिए कि वो चीज आप घर में बनाएं और एक अच्छे तरीके से। बिल्कुल राइट साहिल, अगर हम अपने अंदाज से बनाते हैं तो हम उसमें जो चेंजेस करना चाहते हैं हम वो चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि खाने को आप और पौष्टिक बनाइए। हाँ जी। तो इस तरह से क्या होता है कि एक आपस में भी कोऑर्डिनेशन हो जाता है। आपने बच्चों की बात भी सुनी कि बच्चे क्या खाना चाहते हैं। हाँ जी, मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। अगर आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं। जी। और उसमें डाला है मैंने 1 चम्मच लहसुन उसके बाद। ओके। लहसुन को हमें ब्राउन नहीं करना। जी। आप सिर्फ उसका कलर चेंज होने दें ताकि सिर्फ गार्लिक की जो स्मेल है, लहसुन की जो स्मेल है वो आए, क्योंकि पास्ता में एकदम लाइट फ्लेवर चाहिए होता है, स्ट्रॉंग नहीं चाहिए होता। राइट। तो हमने इसके बाद डाली है जो हमने पालक धो के रखी हुई थी, कटी हुई। जी। वो पालक को हमें ज्यादा पकाना नहीं है किसी भी सब्जी को। जी। तो हल्का सा इसको सौते करें। राइट। इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक। जी। मैं डाला हूँ यहाँ पर 1/2 चम्मच। जी। जरा सा ज्यादा। राइट। डाल रहे हैं काली मिर्च। जी। हमने जो पीस करके रखी हुई है यहाँ पर। जी। साहिल, मैं ये कह रही थी कि अक्सर बच्चों को हरी सब्जियाँ खिलाना एक टास्क है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हम बच्चों की बात मानते हैं, जैसे बच्चे पास्ता खाना चाहते हैं, हम घर में पास्ता बना रहे हैं और हमने उसमें पालक डाल दिया, तो बच्चे भी हमारी बात मान के वो पालक वाला पास्ता भी खा लेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे कि आपको पता है कि अगर बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो उनको पालक या और कोई सब्जी इस तरीके से खिलाए जो उनकी एक फेवरेट सब्जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से वो जरूर खाएंगे। जी। जैसे कि आप पालक, आपने पहले भी बताया था कि आप पालक पिज्जा के ऊपर डाल करके खा सकते हैं। बिल्कुल। या अगर उन्हें पास्ता पसंद है तो पास्ता के साथ उनको खिलाएं। बिल्कुल। और आप थोड़े से टमाटर भी डाल सकते हैं। जी। ये मैंने यहाँ पर काट के रखे हैं, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं इसको और कलरफुल बनाने के लिए। बिल्कुल। टमाटर आप ऐसे काट लें। जी। और ये डाल सकते हैं। जी, मुझे लगता है टमाटर इसमें काफी अच्छे लग रहे हैं, तो इसको काफी अच्छा रंग दे रहा है और थोड़ा सा खट्टापन भी देगा। हाँ जी। और आपको टमाटर को भी पकाना नहीं है। जी। जो पास्ता है वो पहले से ही पका हुआ है। जी। और आज क्योंकि बात हो रही है बच्चों की, तो हम बच्चों की फेवरेट चीज बना रहे हैं पास्ता, लेकिन हमने उसको पौष्टिक बनाया है उसमें पालक डाल के। और यहाँ हम एक और ट्विस्ट कर रहे हैं साहिल। हाँ जी। साहिल ने एक सीक्रेट रखा है, पास्ता में अक्सर चीज डालता है। हाँ जी। और चीज से बच्चे काफी, उनको ज्यादा फैट मिलता है, तो चीज की जगह हम एक हेल्दी ट्विस्ट डाल रहे हैं, वो क्या है वो साहिल बताएंगे। बिल्कुल। वैसे पास्ता में पार्मेसन चीज जाता है। जी। लेकिन हम इसके ऊपर डाल रहे हैं लो फैट पनीर। जी। जो हमने यहाँ कद्दूकस करके रखा है। जी। तो निकालिए एक बोल इसको डालने के लिए। ये लीजिए। Thank you.
आपने देखा ये एकदम आसान है बनाना जी, और बहुत जल्दी बन जाती है। बिल्कुल, आप चाहें तो जो टमाटर हमने जैसे डाले हैं जी, आप उनको मिक्सी में घुमा करके उसकी एक सॉस भी बना सकते हैं जी। उसमें थोड़े तुलसी के पत्ते डाल दें तो अलग ही टेस्ट आता है उसका। बिल्कुल, और तुलसी के फायदे भी बहुत हैं। बिल्कुल ठीक, और ज्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा जी। और अब हम डालते हैं इसके ऊपर लो फैट पनीर जो हमने रखा हुआ है यहाँ पर कद्दूकस करके। साहिल, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि चीज को हमने रिप्लेस किया है पनीर से। हाँ जी, तो लीजिए तैयार है स्पिनच पास्ता। स्पिनच पास्ता बनाने के लिए पास्ता को नमक और तेल के साथ उबाल लें। अब एक कढ़ाई में ऑलिव ऑयल डालें और लहसुन, पालक, नमक और काली मिर्च डालकर मिलाएं। पास्ता और टमाटर डालकर पकने दें। पनीर से गार्निश करके गर्मा गर्म परोसें।